गुरुत्वपूर्ण मामला रहा सहित तो जेहेतु आज शुणी होती रत्नभंडार खोलिबा को लेकिन एवं खास करके जो बीजेपी राज्य पूर्वतन सभापति समीर महांती आवेदन को लेकिन पिटिशन को लेकिन आज शुणी होता है और शुणी समय हाइकोर्ट आज चारि जन पक्ष को नोटिस जारी करते खास करके एएसआई डीजी एएसआई सुपरिटेंडेंट और जो रही श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक सहित श्रीमंदिर परिचालना कमिटर जो अध्यक्ष चारि जन को नोटिस जारी होती अगस्ट 7 जेहतु मामलारवर्त शुणी रही सहित जब आप देखिए यह शुणी करने हाइकोर्ट मध्य एक बड़ जुक्ति उपस्थापन अर्थात आवेदनकारी पक्ष वरिष्ठ आईनजीवी पीताम्बर आचार्य जेहतु मामलार परिचालना करते ही समय से मध्य जेहतु अनेक जुक्ति उपस्थापन करते क्यों समय रत्नभंडार प्रकृत में खोल जाता है और शेष थर चाबी के हजिता और से जो प्रार्थना करते आवेदनकारी खास करके जो रत्नभंडार चाबी हजिता हजार समय जो मैंने से तत्कालीन जिलापा कथ कहु अधिकारी कथ कहु से विरोध में फौजदारी मुकदमा दायर रुजु करवा घटनार सीबीआई तदंत करवा रत्नभंडार खोलिकी तर सविशेष जो तथ्य व तालिका प्रस्तुत करवास राज्यपाल कि हाइकोर्ट जन कार्यरत विचारपति को नहीं गठित युग्म कमिटी गठन कर पूरा सविशेष जो तदंत करवा और रिपोर्ट तालिका प्रस्तुत करने को लेकिन जो से प्रार्थना होता है प्रार्थना को लेकिन प्रकृत में हाइकोर्ट में जो पिटिशन दाखिल और जो प्रार्थना आवेदन करते से प्रार्थना को लेकिन वर्तमान जो वर्तमान जवाब मांगते हाइकोर्ट जो चार जन पक्ष को आगस्ट 7 मामलों परवर्त शुणी समय से प्रतिपक्ष मैंने जुक्ति जवाब दाखल करेंगे और जवाब दाखल करने पर अगस्त 7 में मामलों पर परवर्त शुणी पर जेहतु कोर्ट दिन धार्य कर जानते आवेदन आम कि समय पर जेहतु समीर महांती आवेदन करें निजे अच्छा कोर्टर उस्थित अच्छा आम तुम कि समय पर प्रतिक्रिया ना जावा जेहतु समीर महांती कि समय पर आसिक कोर्टे पहुंचे और नापी चाहिए जेहतु आउ कि समय अपेक्षा आम समीर महांती प्रतिक्रिया ना चेषा करूँ जेहतु समीर महांती निजे आसिक कोर्टर उस्थित होती से बाहर को आसवे अर्थात जो आवेदन कर रही समीर महांती प्रतिक्रिया ना चेषा करवा चेषा करापर प्रकृत से जहाँ जहाँ सब पिटन सब कोर्टर करते जेहतु गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रही रत्नभंडार केवे खोल तार संपत्ति के सुरक्षित अच्छी राज्यवासी समस्त अपेक्षार अच्छा जगन्नाथ प्रेमी अपेक्षार अच्छा जेहतु 1978 मसीह शेष थर पर जेहतु रत्नभंडार खोल जाता है से समय जीत भितर सुन अलंकार था तार हिसाब एक सरकार उपस्थापन करते परवर्त अवस्था रत्नभंडार खोल जाए ना तो चाबी हजे दिगला डुप्लिकेट चाबी आसिक सरकार सामने रखिले कि डुप्लिकेट चाबी द्वारा रत्नभंडार खोल गला ना रत्नभंडार अनेक अंश विपद संकट अवस्था रही जहाँ एएसआई रिपोर्ट में दर्शाई था कि सब पूरापूरी घटना जब आप देखिए ए पूरा घटना को लेकिन जितने बड़े हाइकोर्ट बर्तन पिटिशन आप किसी समय अपेक्षा आम प्रतिक्रिया ना अपेक्षा अच्छी आवेदन करेंगे और आईनजीवी आसिक प्रतिक्रिया देते कमलाकांत तबे इमरान आपण जमती कहते जे गोटे पटे ओडिशावासी भावाबेग सहित जड़ित रही प्रसंग रत्नभंडार प्रसंग गोटे पटे प्रश्न उठू प्रकृत में रत्नभंडार भितर रत्न सुरक्षित अच्छी ना नाई ए सबू प्रश्न उत्तर ओडिशावासी जानवापी चाहते किंतु बारंबार राज्य सरकार समय गड़ाऊ से चाबी हजिबा प्रसंग हो विभिन्न समय रत्नभंडार को लेकिन विभिन्न जो बयान आसूँ राज्य सरकार पक्ष विश्वास को नहीं पार ना ओडिशावासी से बारंबार ए प्रश्न उठू प्रकृत में रत्नभंडार को कहीं खोल जाऊनी महाप्रभुंर जो रत्न रही रत्नभंडार भितर सुरक्षित अच्छी ना नहीं ए प्रश्नर उत्तर वर्तमान सुधा ओडिशावासी जगन्नाथ प्रेमी पाई ना निहत कमलाकांत मुझक आज किसी समय पर जेहतु समीर महांती निजे उस्थित अच्छे कोर्टे आम तुम प्रतिक्रिया नाप चेस्ट करवा जेहतु से आसिक कोर्टे आसिक पहुंची सारी और पचार बुझे प्रकृत जो आवेदन थी जो पिटिशन थी से पिटिशन सब जो प्रार्थना करते प्रकृत कोर्ट कौन सब राय शुणी आम सीधा सड़क जावा अच्छा आवेदनकारी निजे उस्थित अच्छे आवेदनकारी आईनजीवी वरिष्ठ आईनजीवी रही पीताम्बर आचार्य प्रतिक्रिया ना से कौन कहते हैं आम कौन पचार बुझा आज मान्यवर ओडिशा हाइकोर्ट ये रत्नभंडार प्रसंग को अत्यंत गुरुतर सहित विचार को नहीं पूरी श्रीजगन्नाथ टेम्पल कमिटी चेयरमैन चीफ एडमिनिस्ट्रेटर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रो डायरेक्टर जनरल एवं सुपरिंटेंडेंट एम को कारण दर्शाओ नोटिस जारी करजर जवाब रखापी आमे मुख्यतः दुईटी प्रसंग आज मान्यवर हाइकोर्ट नजर को आनीलु प्रथमत हो 1978 मसीहा पर ठारु ए पर्यंत रत्नभंडार गच्छित थिबा स्वर्ण अलंकार इन्वेंट्री करा जाई नाही भगवत दयाल शर्मा कमिटी अध्यक्षतारे जो इन्वेंट्री करा जाई थिला
से रिपोर्ट जदिओ सर्वसाधारण रे प्रकाश पाई सारी एवं 1960 मसीह जेतेबेले सरकार परिचालना भार हाथ को नहीं रत्न भंडार रो स्वर्ण अलंकार रो परिचालनागत निजर परिचालना पाई निजर हाथ को नेले परिचालना संपर्क हाथ को नेले सेबे थारु दुई थर ए 1960 एवं 1978 आ पर थारु 45 वर्ष बीती जाई थिले हे एपर्यंत तार इन्वेंटरी करागला नहीं। ए इन्वेंटरी वर्तमान यही दृष्टि रु गुरुत्वपूर्ण जेहेतु 2018 मसीह रे सरकार अत्यंत बेपरुआ भावे गवर्नमेंट ट्रेजरी रु रत्न भंडार रो चाबी को गायब करी देले ओडिसा वासिंक मनरे जगन्नाथ प्रेमी मानक भितरे जो संदेह सृष्टि हेछि जे रत्न भंडार रे गच्छित थिबा स्वर्ण अलंकार सुरक्षित अवस्था रे अछि त तेनु सेही दृष्टि रु ए इन्वेंटरी होछि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं अवश्यम्भावी। द्वितीय प्रसंग होची ये आर्कायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एवं हाईकोर्ट द्वारा निजुक्ति प्राप्त एक वैषयिक कमिटी स्पष्ट भावरे मत दे सारे ये रत्न भंडार अत्यंत विपद संकुल अवस्था अच्छी तार तुरंत मरामती दरकार ये सब कुछ सरकार भ्रुक्षेप करूना श्री जगन्नाथ मंदिर रत्न भंडार प्रति जेहेतु विपद सृष्टि भांगी जीवार आशंका रही तुरंत राज्य सरकार रत्न भंडार को खोली एएसआई को यार मरामती करिवार दायित्व अर्पण करंतु। ये दुईटी विषय को अत्यंत गुरुतर भाव विचार को नहीं आज डिविजन बेंच हाईकोर्ट मान्यवर जस्टिस तालपत्र एवं जस्टिस सावित्री रथों इजलास शुणाणी होगा पर प्रतिपक्ष मानक नोटिस जारी कर आवेदन कर पूर्वतन राज्य बीजेपी सभापति समीर महंती अच्छा मध्य प्रतिक्रिया ना समीर जेहतु आज मध्य गुरुत्वपूर्ण मामलों मध्य शुणी है आपड़ जो पिटन करते कोर्ट आज चारिपक्ष को नोटिस जारी कर प्रकृत प्रार्थना सब कमी कौन थी देखो बहु चर्चित रत्न भंडार खोल प्रसंग को आज गुरुत्वर सह मान्यवर उच्च न्यायालय ग्रहण कर सीनियर एडवोकेट पीताम्बर आचार्य जो बलिष्ठ जुक्ति से कोर्ट एथिरे सहमति प्रकाश करी आज जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन रो चेयरमैन एवं एडमिनिस्ट्रेटर ये एमानंकु नोटिस करछंती सुरक्षा बाबद मंदिर जो सुरक्षा रत्न भंडार जो पथर खसवा जो भली भाव संकटपूर्ण अवस्था थिबार जो बारंबार एएसआई माने एडमिनिस्ट्रेशन को लेखुछंती किंतु ए चिट्ठी पत्र रहउछि तांकु मध्य डायरेक्टर जनरल आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तांकु एवं सुपरिटेंडेंट एएसआई को आज मध्य नोटिस ए नोटिस रो जवाब अगस्त 7 तारीख रे पाइले पुणी आगामी दिन रे ये निश्चित रूपे ये ये कथा को निश्चित रूपे कोर्ट ताकु कॉग्निजेंस नेबे बोली मोर विश्वास आ सर्वोपरि जगन्नाथ अगणित कोटि कोटि समग्र विश्व रे जगन्नाथ प्रेमींकर जो उत्कंठा अच्छी जे 45 वर्ष धरी ये खोलू ना रत्न भंडार एवं सरकार ताकु कुंभकर्ण निद्रा रे सोइचंती विभ्रांत करिबा पई सरकार केतो बले डुप्लिकेट चाबी कलेक्टर माध्यम रे जनता भक्त मानक दौंती ये कटा घरे चून लगेला सदृश व्यवहार प्रदर्शन करुछंती जगन्नाथ प्रेमी मानक द्वितीय जो भली भाव भ्रमित करिबा पाई चाबी हजिबार जो रघुवर दास कमिशन बसैले लक्ष लक्ष टंका खर्च कले कमिशन पिछा किंतु तार कौनसी रिजल्ट आसिला नाही से कौनसी सर्वजनीन रिपोर्ट हला नाही विधानसभा रे से कथा भी आलोचना हला नाही तो ये निश्चित रूपे आगामी दिन रे ये कथा कु निश्चित रूपे जगन्नाथ प्रेमींकर उत्कंठा को कोर्ट निश्चित रूपे सहुद्रतला सह ग्रहण करी रत्न भंडार खोलिबा पाई ये जो पर्जा आरंभ हो निश्चित रूपे रत्न भंडार खोलिबो एभली एक विश्वास मुझे।
ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ତାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ପିଟିସନଟେ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କଲେ, ଯେହେତୁ ଭାବାବେଗ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଥିରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଟିସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ନେଇଛି ଯେଉଁ ଚାରିପକ୍ଷକୁ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆପଣ କହନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର କଥା ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି, ଏଥିରେ ସରକାର କାହିଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବୁଛି। ସରକାର କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନା ସରକାରର କ'ଣ ଯେ ଲୋକ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ନାବାଳକ ମାଇନର ପେରପେଚୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର ଟ୍ରଷ୍ଟି ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର ଆଇନ ଅଛି ଖୋଲିବାର କୌଣସି ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ନାହିଁ। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଠୁ ବୋଧେ ମାନେ ମଣ ମଣ ସୁନା ହୀରା ଲୀଳା ରୂପା ମାଣିକ୍ୟ ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ଇଏ ବୋଧେ କ'ଣ ଲୁଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ଏ ବିଷୟକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ନଚେତ ନାହିଁ କ'ଣ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବାୟତମାନେ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ସେଇ ରିପିଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କର ଦାନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଦାନ ବି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମର ଆଜି ଅଳଙ୍କାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ଏଇଟା ତ ଗ୍ରହଣ କରି ହେଉନାହିଁ। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ତାଙ୍କର ମାନସିକତାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାର ଏବେ କାଠଗୋଡ଼ାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଯଦି ନ ଖୋଲୁଛନ୍ତି କାରଣ କ'ଣ ଆଉ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିଲା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବିରେ କ'ଣ ସରକାର ଖୋଲିପାରିବେନି କଲେକ୍ଟର କିଏ କଲେକ୍ଟର ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନର କଷ୍ଟୋଡିଆନ ଆଉ ଯଦି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତା କଥାକୁ କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ନେବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଏସ୍ଆଇ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ଏ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କର ଉତ୍କଣ୍ଠାକୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କୋର୍ଟ କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ନେବ ଆଉ ରତ୍ନଭଣ୍ଡା ଖୋଲା। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମହାରାଜା ଗଜପତି ସେ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପିଲ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତାକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେ ମଧ୍ୟ ନେଲେ। ଇଏ ଅଦ୍ଭୁତ ସରକାର, ଏ ସରକାରର କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି ଜାଣି ହେଉନାହିଁ। ଏଠି ଯେଉଁ 1978ରେ ଯେଉଁ ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ସେତେବେଳର ଯିଏ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କମିଟି ଗୋଟିଏ ବନିଥିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନେ ସେ କମିଟିର ମେମ୍ବର ଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ସେତେବେଳର ଯିଏ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଯିଏ ଛତିଶଗଡ଼ର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସେ କିଛି ଦିନ ତଳେ କଟକ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଜନୀନ କଲେ ଯେ କାହିଁକି ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ହେବ ନାହିଁ। ଗଜପତି ମହାରାଜ ଯିଏ ତାର ଟେମ୍ପୁଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ପବ୍ଲିକ ଡୋମେନରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ସେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ସେବାୟତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମତବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ତ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ଏ କଥାରେ ବୋଧେ ଯେଉଁ ଜନମତରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମହଣର ସୁନା ଏଠୁ ଲୁଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏ କଥାର ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁ ନାହିଁ ସରକାର ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। କାଳେ ଯଦି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଯିବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜାଣିଯିବେ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଟଳି ପଡ଼ିବେ ସରକାର କାହିଁକି ଡରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ସରକାର ବାଲା କହିବେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି କଲେକ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ରଘୁବର ଦାସ କମିଶନ ବସାଇଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ଲୋକ ହାଇକୋର୍ଟର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ଆଦେଶ ମତେ ଲୋକ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ ତାଲା ପଡ଼ି ନାହିଁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ଯେଉଁ 17 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଯାହା କହିଲେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ 3ଟି ଜେଲ୍ରେ ଗୋଟେ ଜଉ ଅଛି ଆଉ 2ଟା ଯାକ ଖୋଲା ପଡ଼ିଛି ଇଏ ଚାବି ଯେଉଁ ଖୋଲିଲେ ସେ ଚାବିରେ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ଚାବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଇଏ ତ ରହସ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ବ୍ୟଥିତ ଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସେମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପେକ୍ଷା ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇମ୍ରାନ ଖାନ ରହିଥିଲେ ଆମ କଟକ ବ୍ୟୁରୋରେ, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ୍କୁ ନେଇ।